गुड इवनिंग, आप सब कैसे फ्रेंड। मैं ऐसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आ गया मैं न्यू रिक्वायरमेंट लेकर। जी हाँ, आज का टॉपिक है इजराइल जॉब्स के बारे में। आप लोग का सबसे ज़्यादा कमेंट आता है कि सर न्यू रिक्वायरमेंट बताइए इजराइल के लिए। तो फ्रेंड, अभी मैं डेली असाइनमेंट पेपर चेक कर रहा था। आप लोग को भी मालूम है कि सैटरडे को असाइनमेंट पेपर निकलता है। तो जैसे मैं चेक कर रहा था तो अभी मुझे न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में पता चला, तो सोचा कि क्यों ना आप लोग से शेयर किया जाए, इन्फॉर्मेशन आप लोग को बताया जाए, क्योंकि हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट सबसे ज़्यादा यही आता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड, आज मैं दो तीन टॉपिक पे बात करूंगा। सबसे पहले इसका टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, एक फर्स्ट जो टॉपिक है इस पे। और इसके बाद रेपुटेड प्लास्टिक कंपनी का भी रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, प्लास्टिक कंपनी के लिए भी रिक्वायरमेंट है और टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का भी रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड, आपसे बता दूँ कि टायर मैन्युफैक्चरिंग का बहुत कम ही रिक्वायरमेंट आता है, ठीक है ना। बहुत पहले हमारे एक दो भाई लोग कमेंट किए थे कि सर टायर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताइए, इसका जॉब है तो बताइए। तो अभी फ्रेंड फाइनली अभी रिक्वायरमेंट आ चुका है, ठीक है ना। इसके बाद फ्रेंड कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी रिक्वायरमेंट है, यानी कि MBP प्रोजेक्ट या बिल्डिंग प्रोजेक्ट, इसका भी रिक्वायरमेंट अभी आ चुका है, ठीक है ना। तो फ्रेंड, आज मैं दो तीन टॉपिक पर बात करूँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, यानी कि कौन कौन से जॉब का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का रिक्वायरमेंट है। इसके बाद प्लास्टिक कंपनी का भी रिक्वायरमेंट है। हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट भी आता है कि प्लास्टिक कंपनी का रिक्वायरमेंट बताइए, तो इसका भी फाइनल रिक्वायरमेंट आ चुका है। और कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी रिक्वायरमेंट आ चुका है, ठीक है ना। तो मैं दो तीन टॉपिक पर बात करूँगा। सबसे पहले फ्रेंड मैं बताऊँगा कि क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। इसके बाद फ्रेंड मैं बताऊँगा कि इसमें जो इजराइल का जो रिक्वायरमेंट है, न्यू रिक्वायरमेंट अगेन, इसमें जाने के लिए आपके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे कि आप लोगों को भी मालूम है कि ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगता है, प्लस PCC भी मांगता है, इसके बारे में भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। आप लोगों को भी पता है फ्रेंड कि जो भी मैं रिक्वायरमेंट बताता हूँ वो इंडिया के टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट बताता हूँ, यानी कि इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस के बारे में ही बताता हूँ, ताकि अगर आप ऑफिस पे पहुँचे, ठीक है ना, ऑफिस पे पहुँचे और आप इंटरव्यू और सेलेक्ट करें तो आपका 100% फ्लाइट हो, ठीक है ना। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने पर से पहले प्लीज़, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूँ जो इजराइल के लिए फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का रिक्वायरमेंट है। और इसमें जो ट्रेड है फ्रेंड, ध्यान से सुनिए क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। तो इसमें चाहिए टायर बिल्डर्स का। जी हाँ, टायर बिल्डर, मिक्सिंग और ऑपरेटर्स का रिक्वायरमेंट है। टायर बिल्डर्स और मिक्सिंग ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। और इसके बाद जो सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है मेंटेनेंस मैकेनिक्स का। जी हाँ, मेंटेनेंस मैकेनिक्स का भी इसमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक्सपीरियंस मैं बता दूं फ्रेंड कि इसमें लिखा है कि जिन्होंने जनरेटर और रोटरी उपकरण रख रखाव, असेंबली मशीन रख रखाव पर काम किया है, सिर्फ उन्हीं भाई लोग का इसमें सलेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है प्लास्टिक कंपनी में, ठीक है ना। प्लास्टिक कंपनी में जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंड वो है ब्लो मोल्डिंग ऑपरेटर्स का। जी हाँ, ब्लो मोल्डिंग ऑपरेटर्स का रिक्वायरमेंट है। HDPE इंजेक्शन PET, ठीक है ना, पाइप, इसका जो भी भाई लोग काम करते हैं इसका रिक्वायरमेंट आ चुका है, ठीक है ना। और फ्रेंड इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन जॉब का, जैसे बिल्डिंग MBP प्रोजेक्ट का। तो इसमें ध्यान से सुनिए, बहुत से ट्रेड का रिक्वायरमेंट आया है, ठीक है ना। सबसे पहले है फ्रेंड स्टील फिक्सर, इसके बाद सेटरिंग कारपेंटर का भी रिक्वायरमेंट है, MEP कोऑर्डिनेटर का रिक्वायरमेंट है, और वेल्डिंग इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट है, बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट है, लॉक स्मिथ का भी रिक्वायरमेंट फ्रेंड आ चुका है, ठीक है ना, ड्राई वॉल वर्कर का रिक्वायरमेंट है, ब्लॉक मेसन का भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। इसके बाद सिविल फोरमैन चाहिए और सिविल सर्जेंट चाहिए और सिविल इंजीनियर चाहिए। सिविल फोरमैन, सिविल सर्जेंट और सिविल इंजीनियर का भी रिक्वायरमेंट आ चुका है। अगेन मैं रिपीट कर दूँ, स्टील फिक्सर, सेटिंग कारपेंटर, MEP कोऑर्डिनेटर, बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन और लॉक स्मिथ, ड्राई वॉल वर्कर और ब्लॉक मेसन, ये सब ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स मैं बता दूँ फ्रेंड की एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है ना, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो भी सिविल फोरमैन और सर्जेंट इंजीनियर है, ठीक है ना, ये लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। फ्रेंड, जो ऑफिस है इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को भी मालूम है कि मैं किसी ऑफिस का प्रचार या प्रसार नहीं करता हूँ, ना ही किसी कंट्री का प्रचार या प्रसार करता हूँ। मेरा मकसद ये है कि जो भी भाई लोग हमसे जुड़े हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हो, जो भी गरीब भाई हो, ठीक है ना, उनको अच्छे ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन देना, अच्छी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ताकि वो कहीं पर भी जाए, यूरोप कंट्री, गल्फ कंट्री, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, कोई भी देश में जाए, कहीं पर भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करे, ठीक है ना। तो जो ऑफिस है फ्रेंड, आपसे बता दूँ, डायनेमिक स्टाफ सर्विस ऑफिस है मुंबई,
में, ठीक है ना, इसी में ये रिक्वायरमेंट आया है डायनेमिक ऑफिस में इजराइल के लिए, ठीक है ना। तो डायनेमिक ऑफिस ये मुंबई का रिक्वायरमेंट है, ये दिल्ली का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो पता मैं बता रहा हूँ, यानी कि एड्रेस नोट कर लीजिए, जो भी भाई लोग मुंबई से इंटरव्यू देना चाहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि ये मुंबई में रिक्वायरमेंट है डायनेमिक ऑफिस में, दिल्ली में नहीं है, ठीक है ना। तो पता नोट कर लीजिए, एड्रेस 3C3 गुंडेचा एनक्लेव क्रिसेट बिजनेस स्क्वायर के सामने, खेरानी रोड, साकी विलेज, मुंबई, ठीक है ना। एक बार और अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, डायनेमिक स्टाफिंग सर्विस मुंबई, ठीक है ना, जो ऑफिस है, एड्रेस और पता 3C3 गुंडेचा एनक्लेव क्रिसेट बिजनेस स्क्वायर के सामने, स्टेशनरी, खेरानी रोड, साकी विलेज, मुंबई, ठीक है ना। अब एड्रेस हो गया, इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए 9833797573, 9833797573। एक और नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर 9313016661, यानी कि 9313016661। फ्रेंड, आप लोग को भी पता है कि इजराइल में जो सैलरी है बहुत हाई सैलरी है, यानी कि स्टील फिक्सर, मेसन, सेटरिंग कारपेंटर, ये लोग का सैलरी 1.5 लाख रुपया मंथली है। बाकी सिविल फोरमैन, सर्जेंट, इंजीनियर, ये लोग का सैलरी कई लाख रुपया तक इंडिया का है, ठीक है ना। तो इसके बाद से मैं बता दूँ, प्लास्टिक का भी रिक्वायरमेंट है, प्लास्टिक कंपनी का भी, इसके बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी रिक्वायरमेंट। तो जो भी भाई लोग स्टेट से हैं, अगर वो अपना सिलेक्शन कराना चाहते हैं, तो वो अपना ऑफिस पे जाकर अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए, ठीक है ना, शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए, क्योंकि विदाउट शॉर्ट लिस्टिंग का आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो ऑफिस है, ये डायनेमिक ऑफिस है मुंबई का, यहीं पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए फ्रेंड आपसे बता दूँ, ओरिजिनल पासपोर्ट, बायोडाटा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है ना, प्लस फोटो होना चाहिए, ठीक है ना। आप ये ले जाकर शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए, शॉर्ट लिस्टिंग होगा तभी आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा, और ऑफिस पे शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, ठीक है। फ्रेंड, जो इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू है वो है 24 जून से लेकर 30 जून तक, ठीक है ना। फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू 24 जून से लेकर 30 जून 2024 तक चलेगा, ठीक है ना। तो फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू अगर आपको देना है, तो सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्टिंग कराना होगा, ठीक है ना। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपको पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट, बायोडाटा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लस फोटो साथ में लेकर जाइएगा, और शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए। शॉर्ट लिस्टिंग क्या, आज 23 तारीख है, कल से फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू है, ठीक है ना। तो जो भी पहले स्टेट्स है, अपना ऑफिस में जाकर अपना इंटरव्यू दीजिए, ठीक है ना। अगर आप इजराइल जाना चाहते हैं, हाई सैलरी आपको चाहिए, तो ठीक है ना, बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है, न्यू रिक्वायरमेंट है। तो ओके फ्रेंड, वीडियो लंबा हो रहा है, तो वीडियो के एंड यही पे कर रहा हूँ। आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।